Surbhi, where are you going? Hello guys, so आज आप लोग मुझसे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि आपको सबसे पहले तो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर चैनल. तो वैसे तो मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तो मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ. मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है तो उसने मुझे बुलाया है. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी जब यहाँ पर फ्रेंड्स बुलाते हैं तो एग्जैक्टली कैसा होता है. बट मेरा जो मेन मोटिव है इस वीडियो का वो ये दिखाने का है कि ये जो कल्चर डिफरेंस है इंडिया का और यहाँ का अबाउट मीटिंग आर फ्रेंड्स, मीटिंग आर वेरी गुड फ्रेंड्स, या फिर जिनसे हम अब इतने सालों बाद मिले, लाइक 30 साल में अब मिले हैं, उनके साथ कैसा कल्चर होता है यहाँ पर वर्सेस इंडिया में. तो मैं आपसे जब वापस आऊँगी तो डिस्कस करूँगी. तो अभी बहुत लेट हो गया है, मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं, तो अभी मैं जाती हूँ और आपको वहीं पर बात करूंगी. आई एम गोइंग, बाय बाय. मैं क्या करूँ अब? खुश हो जा, पत्नी जा रही है, खुश हो जा. नो, बाय. आई वुड लाइक, बाय. सो नाउ वी आर हियर. ओह माय गॉड, बैठे बैठे. शी इज लॉरा कुदरत. हेलो. एंड ट्वेटा एंड स्वेटा, माय स्वीटी. सो गाइस, हम लोग यहाँ पर हैं. ये लोगों को हिंदी नहीं आता है एंड इंग्लिश ऑफ ने किया. इंग्लिश आई एम विशन मतलब थोड़ा बहुत. तो हम लोग जा रहे हैं एंड देन फिर आपको मिलते हैं. God, you look
देखो आप ऐसी पार्टी चल रही है यहाँ पर, बाकी मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो घर जाके दिखाऊंगी, बट दिस इज द व्हाट इज हैपनिंग, सो दे आर माय फ्रेंड्स, सो स्वीट माथा. Dankeschön. Oh, ich alles. ऑलरेडी 7 o'clock, तो 7 बजे निकल रही हूँ. देखो कितना अच्छा घर है ये, लाइक ड्रीम हाउस टाइप का. क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे, मतलब हम लोगों की लैंग्वेज बहुत डिफरेंट थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं लिया वहाँ पर. अब मैं आपको बताती हूँ घर पहुँच के कि हाउ वॉज माई एक्सपीरियंस. सो गाइज, आई थिंक दीपक इज हेयर. दीपक, चलो फाइनली वी आर मीटिंग आफ्टर कितने टाइम, कितना घंटा हो गया मुझे? कितने बजे गई थी? 3 बजे. 6:30, 7 बजे, 4 घंटे. चलो अब शॉपिंग करते हैं. हाँ, सुख के आधे लग रहे. दीपक, अपने यहाँ कभी ऐसा होता है क्या? औरतों की पार्टी अलग चल रही है. अपने बहुत होता है.
कितनी पार्टी है और उधर से। तो दीपक मैंने वहाँ तो डॉयज की वजह से ज्यादा बस वीडियो क्लिप लिए, ज्यादा बताया नहीं, तो अब मैं बता देती हूँ। तो वहाँ पर एक फैमिली थी, मतलब उन्हीं के बिल्डिंग में रहते हैं, 3 फ्लोर हैं। तो जो बंदी थी ना, उसका हस्बैंड इंडियन है और उसकी बेटी का नाम गेस करो क्या होगा? करीना? नहीं, सीता। सीता और उसके हस्बैंड का नाम कृष्णा। और वो बंदी यहीं की है, बर्लिन की यहाँ रहती है। और उसका उनकी जो मम्मी थी, बंदे की जो मम्मी थी, वो शाबिश गुमन की थी। और पापा इंडिया के थे, तो इस वजह से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। और बंदा कृष्णा, मतलब उससे मैं मिल नहीं पाई, बट मतलब बहुत अच्छा लगता है यार जब इंडियन लोग ऐसे, पता चलता है कि इंडियन। और प्लस उसने अपना बेटी का नाम भी सीता रखा। और वो मुझसे पूछ रही थी कि सीता जो है वो गॉडेस किस चीज के लिए होती है, वो खुद ही बता रही थी। मैंने बोला हाँ शायद। और मतलब बर्लिन की थी तो बहुत ओपन भी थी, आराम से सब चिल थी। 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, मतलब 1-2 दिन में बच्चा आने वाला है, और आराम से चिल बैठ के। अभी बच्चा हाँ, प्रेग्नेंट है हाँ, सीता के बाद अब कौन है? मुझे नहीं पता, सीता के बाद गीता होगी और क्या। तो ये था। और जो मार्था, बाकी आप लोग सबसे पिछली बार पहले वाले वीडियो में मिले हो, मार्था जो है वो क्या कहते हैं उसे, थिएटर आर्टिस्ट है। और उसका हस्बैंड भी थिएटर आर्टिस्ट है। और वो लोग इंडिया में बहुत सारी जगह जा चुके हैं, कोलकाता आ चुके हैं वो लोग, पुणे आ चुके हैं वो लोग, केरला जा चुके हैं। तो उन लोगों को ना इंडिया के बारे में सारा कुछ पता है, इंडिया के सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लाइक पतंजलि और इंडिया के जितने भी आयुर्वेदिक ज्ञान है वो सारा कुछ पता है। और वो आज 44 इयर्स की हो गई है मार्था। हाँ, तो आई थिंक ये वीडियो जब मैंने, मतलब अभी आपको बता दिया है, मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज आप लोगों को पता नहीं चला होगा उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग जर्मन में बात कर रहे थे। तो मैं सोचा दीपक को भी बता दूँ और आप लोगों को भी बता दूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और दीपक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मैं आपको और यहाँ के लोगों से मिलवाती रहूंगी। जाने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो ये रेड बटन है ये क्लिक करनी है। इन केस आपने गूगल अकाउंट से लॉग इन नहीं किया है तो लॉग इन कर लेना। वो आपसे आपका बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जिसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब ग्रे बटन दब गया। और हाँ, ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आपको मेरे वीडियोस कब आए ये पता ही नहीं चलेगा। तो जो बेल की घंटी है वो जरूर दबाना और लाइक करना मत भूलना गाइस।